परवन भाई उस टाइम मैं घर पहुंच चुकी हूँ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दरअसल जो है ना, घर पहुंच के लाइट नहीं है, वही इशू है, और मेरा मोबाइल बिल्कुल खाली लो चल रही है बैटरी इसकी। तो इस वक्त मैं घर पहुंच चुकी हूँ। परवन भाई क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं घर पहुँच चुकी हूँ, तकरीबन थोड़ी सांस लूँ तो उसके बाद बात करते हैं बस। भी रानी पराठा बन रहा है बिल्कुल हल्के से तेल में, और आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट है। अस्सलाम वालेकुम प्यारवन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में चाय तैयार हो चुकी है। इस टाइम पहले चाय पी लेते हैं, फिर आगे चल के आगे की रूटीन शेयर करते हैं। कज़न के लिए है और उसका नाम है फरीदा। दरअसल हम उसे तंग करते हैं कि फरीदा ने ख़रीदा है, तो ये मैं उसके मुंह में डालने जा रही हूँ। मज़ेदार ज़बरदस्त पेस्ट्री, और अभी इसे हम जल्दी जल्दी खा लेंगे गरम गरम चाय के साथ। ये देखे मज़ा आ गया, ज़बरदस्त पेस्ट्री। चलिए जी दाल साफ कर लेते हैं, रखे हुए हैं। सो मुझे जो टाइम नहीं मिला था जल्दी जल्दी, अब मैंने पहले फाइनल कर लेती हूँ किचन को, फिर आगे की रूटीन बताती हूँ। ये देखें, सब ने पेस्ट्री खाई है और ये बच्ची ये खा रही है। अब आप सोचे कि ये है क्या, ये चॉकलेट की तरह बना होता है। ये सब बच्चों ने चाय पराठा खा लिया है और अब मैं बर्तन उठा रही हूँ। ये हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, तो यहाँ से तो कोई सहूलत नहीं है सवारी की, तो बस स्टॉप पे चलते हैं, वहाँ से फिर रिक्शा वगैरह बुक करवाते हैं। इस टाइम हम लोग हॉस्पिटल तकरीबन पहुंच चुके हैं। ये पर्चिए भी दवा लेने के लिए मेडिकल पे जा रही हूँ। इसके अंदर ये है, ये नज़र आ रहा है, ये मेरे डेली आने जाने से और ज़्यादा पैदल चलने की वजह से मुझे पैरों में काफ़ी छाले पड़ गए हैं। ये देखिए, ये दूसरा, दोनों पैरों का मेरा यही हाल हो गया है, दोनों पैर मेरे छाले से भर गए। चले जी दवा लेके घर पहुंच चुके हैं और अब किचन में चलते हैं, खाना पकाने की तैयारी करते हैं। दाल वगैरह मैं भिगो गई थी, अब मैं आटा वगैरह बनाऊंगी। तो इस वक्त मैं दाल चढ़ा रही हूँ, बीपी मेरा दाल वगैरह डाल रही हूँ। थोड़ी सी दाल को मैं भून लूँ और भूनने के बाद पानी डाल दूँगी गलाने। ये दाल मैंने चढ़ा दी है, आप देख रहे हैं ना, बस आटा गूंथती हूँ। जब तक दाल हो जाएगी आटा गूंथ के रखती हूँ, थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ। चले जिस वक्त मैं रोटी पकाने के लिए खड़ी हो गई हूँ हिम्मत करके, और इंशाल्लाह आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं, तो मैं टाइम से आराम करूँगी, लाइट भी जाने वाली है। तब के लिए प्यारे बहन भाई आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल सुबह मिलेंगे एक नए ब्लॉग एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जो है ना, खुद अल्लाह हाफिज़।